press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैं देख कहाँ पा रही हूँ जर्नी को अपनी बस फोन पे ही जो वीडियोस दिखाई दे रहे हैं वही देख रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि इतना सब कुछ कर लिया और इतने सारे मेरे मूड्स वेरिएशन सब देखने को मिले तो अच्छा लग रहा है। हार्ड नहीं था, मतलब मैं थोड़ी सी सैड थी कि मेरी जर्नी देखने से पहले ऐसा हुआ, पर मैं खुश भी थी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होने वाला था कि मैं मतलब यू नो एलिमिनेट होने वाली थी तो फ्राइडे को नहीं हुआ, उसको बिग बॉस ने मतलब फिनाले से दो दिन पहले सोचा के रखते हैं कि मेरा उस घर में रहना उन्हें अच्छा और ज़रूरी लग रहा था, तो इसलिए मैं थी तो मुझे अच्छा लगा। तो क्या आपको पता था कि आप इतने लंबे समय तक बिग बॉस के अंदर टिक जाएंगे? हाँ, मतलब मुझे ये नहीं कि मैं जब अंदर जा रही थी तो मुझे पता था, जब ये शो मैंने साइन किया था तब भी मैंने मतलब यही सोच के किया था कि टॉप फोर में मुझे जाना है और मैं जाऊंगी ही क्योंकि मुझे मेरी जर्नी देखनी थी एंड तक, एटलीस्ट मैं एंड तक रहूंगी वहां पर, और वो हुआ। टॉप फोर तक नहीं गए तो कोई बात नहीं, बट एंड तक रही हूँ मैं। नो, मुझसे इनफैक्ट पूछा भी गया था, बट ऐसा कुछ भी प्लान करके नहीं गई थी। मैंने सोचा था कि वहाँ पर जो भी सिचुएशन आएगी उसके अकॉर्डिंगली मैं हैंडल करूँगी सारी चीज़ें, क्योंकि मैं प्लान करके नहीं करती चीज़ें, सडन नहीं करती। थ्रू आउट जर्नी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं आपके, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी आपको फेस करना पड़ा आपकी दोस्ती के, काफ़ी लोगों को कितना कुछ आप लोगों ने एक दूसरे को संभाला बिग बॉस के अंदर, क्या कुछ फेस करना पड़ा था? पारस मतलब लाइक उस घर में मेरा एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, इनफैक्ट मैं भी उसकी थी, तो लोगों ने मतलब लाइक बाद में हमारी एक दोस्ती ऐसी थी जो डे वन से एंड तक रही है। बीच में बहुत लोगों ने ट्राई किया कि हम दोनों अलग हो जाएं, छोड़ दें एक दूसरे को, उनके साथ रहने लग जाएं, बहुत बार ऐसा हुआ, लेकिन हमको एक दूसरे पर ट्रस्ट था और हमारी सोच कहीं ना कहीं मिलती थी और हम टाइम भी वहाँ पर स्पेंड करते थे साथ में, बिकॉज़ वो घर ऐसा कि आपके पास नो फ़ोन नो टीवी नथिंग, पूरा दिन आपको एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है, तो उसकी वजह से मेरे चार महीने चार दिन में निकल के पता ही नहीं चला। और दूसरी बात, लोगों ने पहले लोग ये कहते थे कि जब पारस से बात करो या कुछ भी करो तो माहिरा बीच में आ जाती है, वो बात ही नहीं करने देती है, फिर उनको लगा कि ये वाला प्लान तो काम नहीं कर रहा, फिर उन्होंने शुरू किया कि जब भी मायरा से बात करो पारस बीच में आ जाता है, हम तो मायरा से बात ही नहीं कर पाते हैं, फिर बोलते हैं पारस गायब हो गया, और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि माहिरा पारस की परछाई है, तो गायब इंसान की परछाई कैसे हो सकती है? तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे ऊपर ब्लेम लगाने जैसा कुछ था नहीं। सो मैं स्ट्रांग थी, मैं टास्क भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती थी और झगड़े भी मेरे हो जाते थे, मैं मतलब सब चीज़ें मैं करती थी, मैं थोड़ी टफ थी, उसको लोगों ने सोचा चलो ठीक है इस बात का मुद्दा बना के वीक 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 बोल के इस चीज़ का टैग दो, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वहाँ पर वो लोगों को बहुत टैग मिले थे, चेला समझा काम चोर फुसफुसाना बहुत सारे टैग मिले थे, तो मुझे दिलवा दिया कि पारस के बिना मायरा कुछ नहीं। हाँ, डेफिनेटली मैं उसके बिना कुछ नहीं थी उस शो में क्योंकि मुझे उसका सपोर्ट चाहिए था, अगर वो नहीं होता उस शो में तो शायद मैं कुछ और तरीके से किसी और के साथ होती, और अगर मैं नहीं होती तो शायद वो किसी और के साथ होता। सो हाँ, काफ़ी लंबा। शुरू में हम दोनों मैच नहीं करते थे, लाइक हमारे थॉट मैच नहीं करते थे, हम अलग अलग सोचते थे, हमारे टास्क भी अगेंस्ट आते थे, और लाइक मेरा फर्स्ट टास्क भी उन्होंने ही किया था जिसमें वो मुझे कुछ लगा रहे थे, तो मुझे तब से ही उन पर गुस्सा आने लग गया था, तो मतलब वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी ख़राब होती गई, फिर ख़राब होते होते ज़्यादा हो गई, फिर एक वीकेंड पे आया था, लाइक हमारे बच्चे आए थे जो माहिरा और सिद्धार्थ बन के आए थे, तब वो मसला 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 कर रहे थे और सिद्धार्थ और मैं लड़ रहे थे, हम देख रहे थे ओ शिट अच्छा हम क्यूट लगते हैं लड़ते हुए, तो फिर धीरे धीरे उनका बिहेवियर चेंज हुआ,
मस्ती करने लग गए मेरे साथ, तो मैं भी करने लग गई, तो फिर धीरे धीरे इतने अच्छे दोस्त बन गए एंड में कि उस घर में मेरे को पारस और सिद्धार्थ के साथ ही मैं बैठती थी ज़्यादा। फिर वहाँ पर घर पे ना हमेशा सब ने मुझे नॉमिनेट किया है और सब मेरे अगेंस्ट रहे हैं, लाइक माहिरा ये माहिरा वो, पर मुझे पता है कि सब लोग मुझे दिल से बहुत पसंद करते, चाहे वो आसिम हो चाहे वो रश्मि हो, उनके दिल में मेरे लिए प्यार था। वो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर था जो झगड़े हो जाते थे या फिर कर लेते थे कि ठीक है, तो बट ऐसा कुछ नहीं था कि दिल से वो लोग ऐसा थे, अच्छे ही थे वो लोग। पर्सनली माहिरा से जानना चाहेंगे कितने शेड्स आपको खुद के अंदर देखने मिले बिग बॉस? बहुत सारे, मतलब मैं इतना तो कभी अपनी पूरी 22 साल की उम्र में नहीं रोई हूँ जितना मैं वहाँ रोई हूँ, और इतना मैंने कभी नहीं चिल्लाया, और मुझे भी ऐसा हो रहा था यार मैं कितना चिल्लाती थी और मैंने देखा नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े क्लिप्स देखे। पर बाहर वालों के लिए कहना बहुत इजी है कि क्यों करते, पर अंदर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि नहीं समझ में आता, गुस्सा आपके ऊपर इतना हावी हो जाता है जब आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, तो बहुत हो जाता है वो, तो फिर काफ़ी सारी शेड्स देखने को मिली मेरी कि मैं इतनी लॉयल हूँ अपने दोस्तों को लेकर, तो अच्छा लगा। सिद्धार्थ का विनर होना काफी कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी बन गया है, लोगों को लगता है कि कलर्स काफी बायस हो गए थे, क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या ओपिनियन है? मुझे नहीं पता कि मुद्दा बना है या नहीं बना, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ मतलब अभी नहीं देखा मैंने सोशल मीडिया इतना या फिर ऐसे कुछ चीज़ें नहीं देखी। इस चीज़ पर मैं क्या कहूँ, अभी वो डिज़र्विंग थे, वो जीत गए थे तो सभी डिज़र्विंग मेरी नज़र में, अब जिसको वोट आए ज़्यादा वो जीत गया, मैं क्या बोलूँ इस चीज़ से। सही है, बहुत एंटरटेनिंग। मैं मतलब मैंने सिर्फ थोड़े प्रोमो देखे, शो नहीं देखा, बट वो प्रोमो शी वाज डूइंग सो अमेजिंग कि बहुत एंटरटेनिंग होगा, और काफ़ी अच्छे कंटेस्टेंट्स भी आए हैं उसमें, लड़की लड़के, तो मज़ा आएगा लोगों को, और बिग बॉस का घर है, लोग मिस नहीं करेंगे। अच्छा ओके, पारस एक तो माहिरा जैसी कोई लड़की ढूंढ रहे, तो कुछ टिप्स देना चाहेंगे जितनी भी लड़कियां अंदर आएंगी? मैं टिप्स दे दूंगी, उनको मिलेगी नहीं अभी क्योंकि वो घर के अंदर लॉक हो चुकी है। मिल जाए उससे, मैं उसे ऑल द बेस्ट कहूँगी। 36 आएंगी, पर मेरे जैसी तो उसके बिग बॉस भी नहीं आएंगी, उसके बिग बॉस भी नहीं आएंगे, पर मिल जाएंगी, अच्छी लड़कियाँ आई हैं, काफ़ी प्यारी है, मस्त है, और एक तो शहनाज की कॉपी है, हाय बाबा जी, मस्त है, लड़के भी अच्छे आए हैं। ओके, रश्मि और सिद्धार्थ को तो हमने देख ही लिया है, हाँ, शादी करोगे में, बट क्या आप जाएंगे एज अ पैनल और अभी तो कुछ पता नहीं, देखते हैं। बहुत प्यार दिया है, और हम मतलब फैंस होते हैं कि उनको होता है कि तमन्ना कि शायद एक बार हम बात कर लें या फिर एक बार कुछ कर लें, पर मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप लोग जो भी एडिट करते हो चीज़ें, जो भी टैग करते हो, जो भी कुछ भी करते हो ना, सब मुझे दिखता है और बहुत अच्छा लगता है, और बस ऐसे ही प्यार करते रहना और ऐसी चीज़ें करते रहना, क्योंकि हमें एक सपोर्ट मिलता है कि हम जिनके लिए कर रहे हैं वो हमें पसंद कर रहे हैं, तो फिर आप दिल से हमारे लिए करते रहो, हम जान लगा देंगे आपके लिए करने के लिए, और थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस।